आइए सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग। इसका हिंदी में अनुवाद किया है काशीनाथ त्रिवेदी जी ने। भाग 2 है और इसका अध्याय 4 अभी हम सुनने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है पहला आघात। बंबई से निराश होकर मैं राजकोट पहुंचा। वहां अलग दफ्तर खुला, गाड़ी कुछ चली, अर्जियां लिखने का काम मिलने लगा और हर महीने औसत 300 रुपए की आमदनी होने लगी। अर्जी दावे लिखने का यह काम मुझे मेरी होशियारी के कारण नहीं मिलने लगा था, कारण था वसीला। बड़े भाई के साथ काम करने वाले वकील की वकालत जमी हुई थी। उसके पास जो बहुत महत्व के अर्जी दावे आते अथवा जिन्हें वे महत्व का मानते, उनका काम तो बड़े बैरिस्टर के पास ही जाता था। उनके गरीब मुवक्किलों के अर्जी दावे लिखने का काम मुझे मिलता था। बंबई में कमीशन नहीं देने की मेरी जो टेक थी, मानना होगा कि वो यहाँ कायम न रही। मुझे दोनों स्थितियों का भेद समझाया गया था। वह यूँ था, बंबई में सिर्फ दलाल को पैसे देने की बात थी, यहाँ वकील को देने हैं। मुझसे कहा गया था कि बंबई की तरह यहाँ भी सब बैरिस्टर बिना अपवाद के अमुक प्रतिशत कमीशन देते हैं। अपने भाई की इस दलील का कोई जवाब मेरे पास न था। तुम देखते हो कि मैं दूसरे वकीलों का साझीदार हूँ। हमारे पास आने वाले मुकदमों में से जो तुम्हें देने लायक होते हैं, वे तुम्हें देने की मेरी वृत्ति तो रहती ही है, पर यदि तुम मेरे मेहनताने का हिस्सा मेरे साझी को न दो तो मेरी स्थिति कितनी विषम हो जाए। हम साथ रहते हैं इसलिए तुम्हारे मेहनताने का लाभ मुझे तो मिल ही जाता है, पर मेरे साझी का क्या होगा? अगर वही मुकदमे वे दूसरे को दें तो उनके मेहनताने में उसे ज़रूर हिस्सा मिलेगा। मैं इस दलील के भुलावे में आ गया और मैंने अनुभव किया कि अगर मुझे बैरिस्ट्री करनी है तो ऐसे मामलों में कमीशन न देने का आग्रह मुझे नहीं रखना चाहिए। मैं ढीला पड़ गया। मैंने अपने मन को बना लिया, वह स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो धोखा दिया, पर इसके सिवा दूसरे किसी भी मामले में कमीशन देने की बात मुझे याद नहीं है। यद्यपि मेरा आर्थिक व्यवहार चल निकला, पर इन्हीं दिनों मुझे जीवन का पहला आघात पहुँचा। अंग्रेज अधिकारी कैसे होते हैं, इसे मैं कानों से तो सुनता था, पर आंखों से देखने का मुझे अब मौका मिला। पोरबंदर के भूतपूर्व राणा साहब को गद्दी मिलने से पहले मेरे भाई उनके मंत्री और सलाहकार थे। उन पर इस आशय का आरोप लगाया गया कि उन दिनों उन्होंने राणा साहब को गलत सलाह दी थी। उस समय के पॉलिटिकल एजेंट के पास ये शिकायत पहुंची थी और मेरे भाई के बारे में उनका ख्याल खराब हो गया था। इस अधिकारी से मैं विलायत में मिला था। कह सकता हूँ कि वहाँ उन्होंने मुझसे अच्छी दोस्ती कर ली थी। भाई ने सोचा कि इस परिचय का लाभ उठाकर मुझे पॉलिटिकल एजेंट से दो शब्द कहने चाहिए और उन पर जो खराब असर पड़ा है उसे मिटाने की कोशिश करना चाहिए। मुझे बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैंने सोचा मुझको विलायत के न कुछ से परिचय का लाभ नहीं उठाना चाहिए। अगर मेरे भाई ने कोई बुरा काम किया है तो सिफारिश से क्या होगा? अगर नहीं किया है तो विधिवत प्रार्थना पत्र भेजें अथवा अपनी निर्दोषिता पर विश्वास रखकर निर्भय रहें। ये दलील भाई के गले न उतरी। उन्होंने कहा, तुम काठियावाड़ को नहीं जानते, दुनियादारी अभी तुम्हें सीखनी है। यहाँ तो वसीले से सारे काम चलते हैं। तुम्हारे समान भाई अपने परिचित अधिकारियों से सिफारिश के दो शब्द कहने का मौका आने पर दूर हट जाए तो ये उचित नहीं कहा जाएगा। मैं भाई की इच्छा को टाल नहीं सका। अपनी मर्जी के खिलाफ मैं गया। अफसर के पास जाने का मुझे कोई अधिकार न था। मुझे इसका ख्याल था कि जाने से मेरा स्वाभिमान नष्ट होगा। फिर भी मैंने उनसे मिलने का समय मांगा। मुझे समय मिला और मैं मिलने गया। पुराने परिचय का स्मरण कराया, पर मैंने तुरंत ही देखा कि विलायत और काठियावाड़ में फ़र्क है। अपनी कुर्सी पर बैठे हुए अफसर और छुट्टी पर गए हुए अफसर में भी फ़र्क होता है। अधिकारी ने परिचय की बात मान ली, पर इसके साथ ही वह अधिक अकड़ गया। मैंने उसकी अकड़ में देखा और आंखों में पढ़ा, मानो वे कह रही हों
कि उस परिचय का लाभ उठाने के लिए तो तुम नहीं आए हो ना। यह समझते हुए भी मैंने अपनी बात शुरू की। साहब अधीर हो गए, बोले, तुम्हारे भाई प्रपंची हैं, मैं तुमसे ज्यादा बातें सुनना नहीं चाहता, मुझे समय नहीं है। तुम्हारे भाई को कुछ कहना है तो वे विधिपूर्वक प्रार्थना पत्र दें। यह उत्तर पर्याप्त था या यथार्थ था, पर गरज तो बावली होती है ना। मैं अपनी बात कहे जा रहा था। साहब उठे, अब तुम्हें जाना चाहिए। मैंने कहा, पर मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। साहब खूब चिढ़ गए, चपरासी इन्हें दरवाज़ा दिखाओ। हुजूर कहता हुआ चपरासी दौड़ा आया। मैं तो अब भी कुछ बड़बड़ा ही रहा था, चपरासी ने मुझे हाथ से धक्का देकर दरवाजे के बाहर कर दिया। साहब गए, चपरासी गया, मैं चला, अकुलाया, खींचा। मैंने तुरंत एक पत्र घसीटा, आपने मेरा अपमान किया है, चपरासी के जरिए मुझ पर हमला किया है, आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तो मैं आप पर मानहानि का विधिवत दावा करूंगा। मैंने ये चिट्ठी भेजी। थोड़ी ही देर में साहब का जवाब भी मिल गया। उसका सार यह था, तुमने मेरे साथ असभ्यता का व्यवहार किया, जाने के लिए कहने पर भी तुम नहीं गए, इसलिए मैंने ज़रूर अपने चपरासी को तुम्हें दरवाज़ा दिखाने के लिए कहा। चपरासी के कहने पर भी तुम दफ्तर के बाहर नहीं गए, तब उसने तुम्हें दफ्तर से बाहर कर देने के लिए आवश्यक बल का उपयोग किया। तुम्हें जो करना हो सो करने के लिए तुम स्वतंत्र हो। यह जवाब जेब में डालकर मैं मुंह लटकाए घर लौटा। भाई को सारा हाल सुनाया, वे दुखी हुए, पर मुझे क्या तसल्ली देते। मैंने वकील मित्रों से चर्चा की, मैं कौन दावा दायर करना जानता था। उन दिनों सर फिरोज शाह मेहता अपने किसी मुकदमे के सिलसिले में राजकोट आए हुए थे। मेरे जैसा नया बैरिस्टर उनसे कैसे मिल सकता था, पर उन्हें बुलाने वाले वकील के द्वारा पत्र भेजकर मैंने उनकी सलाह पूछवाई। उनका उत्तर था, गांधी से कहिए, ऐसे अनुभव तो सब वकील बैरिस्टरों को हुए होंगे, तुम अभी नए ही हो, विलायत की खुमारी अभी तुम पर सवार है, तुम अंग्रेज अधिकारियों को पहचानते नहीं हो, अगर तुम्हें सुख से रहना है और दो पैसे कमाने हों तो मिली हुई चिट्ठी फाड़ डालो और जो अपमान हुआ है उसे पी जाओ, मामला चलाने से तुम्हें एक पाई का लाभ न होगा, उल्टे तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हें अभी जीवन का अनुभव प्राप्त करना है। मुझे ये सिखावन जहर की तरह कड़वी लगी, पर उस कड़वी घूंट को पी जाने के सिवा और कोई उपाय न था। मैं अपमान को भूल तो न सका, पर मैंने उसका सदुपयोग किया, मैंने नियम बना लिया, मैं फिर कभी अपने को ऐसी स्थिति में नहीं पड़ने दूंगा, इस तरह किसी की सिफारिश नहीं करूंगा, इस नियम का मैंने कभी उल्लंघन नहीं किया। इस आघात ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। श्रोताओं, ये था महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का दूसरा भाग और उसका अध्याय 4, जिसका शीर्षक था पहला आघात। आत्मकथा का अनुवाद हिंदी में किया काशीनाथ त्रिवेदी ने और स्वर अपराजित शुक्ल का था।